अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं एमडी इनविटेशन एवरी से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जैसे कि अगर आपने मेरे स्पेस के ऊपर शुरू की वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि ये हमारा फर्स्ट ईयर था लव बर्ड को ब्रीड कराने का। हमने 2020 के अंदर चिक्स को जमा करना शुरू करा और फिर 2021 तक हमने जनवरी के फरवरी तक हमने चिक्स जमा करा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी फर्स्ट ब्रीड गई है और बहुत अच्छी गई है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको अपने चैनल पे बताया था कि इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है फॉर न्यू फैंसियर्स। हमारी जो एवरी के अंदर जो हमने बर्ड्स डाले हुए हैं वो तकरीबन 1 मिलियन 1.1 मिलियन की हमने इवेंचुअली इन्वेस्टमेंट करी थी। एंड मैंने ये बताया था कि जो नए फैंसियर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए ये एक प्रैक्टिकल चैनल है जहाँ पे वीडियोज हैं। लोग बोलते हैं कि यू विल बी टर्न आउट टू बी अ करोड़पति और इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतने लाखों रुपए बन जाएंगे। और मुझे आपको ये बताना था कि क्या ये रियलिटी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करी थी और मैं चाहता था कि लोग मेरे एक्सपीरियंस से सीखें। तो पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरा फर्स्ट सीजन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ने तमाम भाइयों को अच्छी ब्रीड दे और जो अभी तक ले रहे हैं। हमारी ब्रीड तकरीबन एंडिंग के ऊपर ही है क्योंकि गर्मी कराची में बढ़ गई है तो हमने बॉक्सेस रिमूव करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं डायरेक्ट अपने पॉइंट के ऊपर आता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस अभी जो मैंने चीज़ें चेक रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे चिक्स बुक भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ के DNA होंगे चले जाएंगे और काफ़ी सारे 80% चिक्स मैंने रोक लिए हैं, सिर्फ 20% चिक्स हमने सेल करे। ठीक है, अब मुझे न्यू फैंसियर्स जो मिलते हैं उनसे मुझे कुछ एक मैसेज करना था कि देखें सर, आप जब भी बर्ड परचेज करें आप ये ना देखें कि आप किसी की वीडियो देख के मुतासर ना हो, 100% मुतासर ना हो, किसी की सीनियोरिटी देख के मुतासर ना हो। आप बर्ड जब लेने जाएं आप बर्ड की क्वालिटी देखें, ये नहीं देखें बर्ड कौन बेच रहा है, आप ये देखें कि बर्ड है कैसा। ठीक है, मेरे इस एक्सपीरियंस का एक हिस्सा ये भी है। मेरे पास मैंने सिर्फ एक पेयर एक बड़े नामवर ब्रीडर से लिया था और उस टाइम पे आप ये कहेंगे कि मुझे शिकायत किसी से भी नहीं है, ना मैं नाम किसी का लूंगा, क्योंकि जब मैंने बर्ड खरीद लिया वो मेरा है। क्योंकि लेते वक्त मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे देखना चाहिए था कि मैं क्या चीज़ ले रहा हूँ। मैं नाम ना देखूँ ब्रीडर का, मैं देखूँ कि मैं बर्ड क्या ले रहा हूँ। तो बहरहाल मेरा एक्सपीरियंस उसके चिक्स भी अच्छे आए, दैट वॉज अ ब्रीडर पेयर, लेकिन मुझे इतना मज़ा नहीं आया। ठीक है, उसके बाद जब मैं सीखता गया मैंने बाकी की परचेजिंग करी और वो बहुत अच्छी परचेजिंग थी और माशाल्लाह रिजल्ट जो है वो मैं क्या बताऊँ, बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आई है और बड़ा खुश हूँ मैं। तो मैं आपसे कहूँगा यार, आप ब्रीडर ना देखें, आप बर्ड देखें, अच्छे ब्रीडर के पास भी जाएं लेकिन उसकी बर्ड की क्वालिटी देखें। बर्ड की क्वालिटी बाद में आपको बोले इसकी मास्किंग खत्म हो जाएगी, ये कुछ अरसे बाद सही हो जाएगा, ये और सेहतमंद हो जाएगा, नहीं सर, आप बर्ड का पोस्चर देखें, आप बर्ड का साइज देखें। एक बर्ड का जो 3 महीने का ना साइज छोटा है वो लास्ट ब्रीड में पैदा हुआ है, वो कब पैदा हुआ है, गर्मी का सीजन था, उसका मसला क्या है, उसके माँ बाप की फर्स्ट ब्रीड थी, वो कैसे पेरेंट्स थे। वो ब्रीडर तो बहुत अच्छा है, वो बर्ड्स आपको दिखाता भी बहुत अच्छी है, वो वीडियोज भी बहुत अच्छी बनाते हैं, सही है, सारे लोग बहुत अच्छी वीडियोज बनाते हैं माशाल्लाह। तो उससे काफी सारे लोग इस हॉबी में भी आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जब आ रहे हैं, मेरा मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस हॉबी के अंदर आ रहे हैं, बर्ड्स की क्वालिटी देखें सर, उसका पोस्चर देखें, उसका साइज देखें, उसकी हेल्थ देखें, DNA करें बगैर बर्ड्स ना लें। बहुत सारे लोग DNA करवा लेते हैं लेकिन निकालते सिर्फ फीमेल हैं, ये कह के कि मैंने DNA नहीं कराया हुआ। तो इन चीज़ों से बचें। न्यू फैंसियर्स ये अच्छी हॉबी है, रिटर्न मेरे पास बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं एक न्यू एवरी बना रहा हूँ, जितनी एवरी अभी आपने देखी है वो काफ़ी नहीं है मेरे न्यू बर्ड्स ब्रीड कराने के लिए। तो मैं न्यू एवरी भी बना रहा हूँ बहुत जल्द, वो भी आपको दिखाऊंगा क्या बच्चे ब्रीड होके आए हैं, कैसे क्वालिटी है, मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। इट्स नॉट फॉर सेल फॉर दिस ईयर, 2022 के अंदर जो बच्चे आएंगे उसको हम एडवांस बुकिंग में बुक करेंगे, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी सेल करने के लिए नहीं है। तो आप लोगों से दुआओं की रिक्वेस्ट है, एंड बाय वाइजली, दिमाग का इस्तेमाल करें, बर्ड की क्वालिटी बर्ड को देखें, बर्ड को देख के लें, छोटे घर से भी ले रहे हैं, एक बहुत ही खस्ता इलाके में भी जा रहे हैं, अगर बर्ड क्वालिटी अच्छा वाला है तो उठा लें, समझ रहे हैं, ब्रीडिंग सेटअप देखें और बर्ड उठा लें। तो ये मेरा आपको मशवरा है, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।